हेलो दोस्तों, टॉक विद शिवा मौर्य के सबसे पहले एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। अब ये जो मेहमान है हमारे, वो एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, आर्मी ऑफिसर। अब फौज से रिटायर होने के बाद एक आर्मी ऑफिसर कभी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, तो इसीलिए वो एक बुक राइटर भी हैं, वो एक समाज सेवी भी हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसका नाम है गुलदस्ते, जिसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें, जैसे कोई मोटिवेशनल टॉक या फिर मोटिवेशनल कहानियां और भी कई तरीके की बातें हम लोगों को बताते हैं। तो इसी तरीके की रोमांचक बातें वो हमें यूट्यूब चैनल पे अपनी किताबों के जरिए और अपने कामों के जरिए सारी चीजें हम लोगों को सिखाते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं मेजर प्रदीप खैरे का, और हम लोग जानते हैं सर के बारे में। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने बारे में कुछ चीजें हमें बताएं। नमस्कार शिवाजी और आपके सारे दर्शकों को। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आप मेरे से बात कर रहे हैं और मैं आपसे रूबरू होकर के इस इंटरव्यू के मीडियम से अपनी बातें शेयर कर रहा हूं। तो मैंने एक्चुअली आर्मी में सर्विस की थी 20 इयर्स तक, और 20 साल के बाद मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था जी। ये 2000 की बात है। सन 2000 के बाद फिर मैंने भोपाल में एक डिस्टेंस यूनिवर्सिटी थी, उसमें कंसल्टेंट की जॉब की, क्योंकि मेरा आर्मी एजुकेशन कोर था, तो हम लोग ऑफिसर्स ट्रेनिंग से रिलेटेड ड्यूटीज आर्मी में करते थे। और यहाँ पर मैंने 15 साल भोपाल में यूनिवर्सिटी के साथ रहा। उसके बाद हम लोगों ने फिर शिफ्ट कर लिया था पुणे, और फाइनली फिर दिल्ली आ गए। तो इस बीच में मेरा आर्मी से रिटायरमेंट लेने के बाद भी, क्योंकि मेरा एजुकेशन फील्ड था, तो ये लिखने पढ़ने के क्षेत्र से मेरा लगाव और जुड़ाव चलता रहा। आपकी जो किताबें हैं वो सब मोटिवेशनल कहानियों के ऊपर है, तो आप मुझे बताएं आपको इसकी इंस्पिरेशन कैसे मिली? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये क्या है कि जब मैंने आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, तो मैंने देखा सिविल में जो न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं या ये टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं, जो कि अधिकतर लोग सुबह सुबह देखते हैं, उनमें सेंसेशनल न्यूज़ ज़्यादा आती है, जैसे कि स्कैम्स, स्कैंडल्स, टेररिस्ट अटैक्स, एक्सीडेंट्स, रेप केसेस, ये ज़्यादा ज़्यादा हाईलाइट की जाती है, और इनको देख करके लोगों का मोरल डाउन होता है, लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है। और मैंने देखा कि हमारे समाज में, ऐसा नहीं कि अच्छी बातें नहीं हो रही, बहुत सी अच्छी बातें हो रही, लोग समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इनको महत्व नहीं देता, इनको फ्रंट पेज पे या हाईलाइट करके नहीं बताया जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसी चीजें जो मेरे नॉलेज में आ रही हैं, सच्ची कहानियां लोगों की, जहां लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी छोटी सी मतलब एजुकेशन के होते हुए या एक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत कम होते हुए भी, सभी कम संसाधन होते हुए भी, लोगों ने अपने लिए, समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए, तो ऐसे लोगों की कहानियां मैंने एकत्रित की और उनको अपने ब्लॉग पर डाली, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये कहानियां अपनी बुक्स में भी पब्लिश करवाई। तो सर, आपकी सबसे पहली बुक कौन सी थी और वो किस बारे में थी? सबसे पहली बुक मेरी थी रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज, ये 2014 में पब्लिश हुई थी। इसमें वही सच्ची कहानियां हैं, रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज, और इसमें 13 सेक्शंस थे, जैसे कि एकेडमिक अचीवर्स, मतलब जिन लोगों ने पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे कोई रिक्शे वाले का बेटा IAS ऑफिसर बन गया। इसमें कुछ महिलाओं की कहानी थी जिन्होंने गांव की पृष्ठभूमि से होते हुए भी बहुत अच्छा समाज के लिए काम किया। कुछ बिजनेस पर्सन की कहानी थी जिन्होंने बहुत कम कैपिटल होते हुए भी उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा कुछ ऐसे लोगों की कहानी थी जैसे इनको कैंसर हो गया, उसके बाद उन्होंने दवाई ली और साथ में पॉजिटिव थिंकिंग के चलते उन्होंने अपने आप को एक नॉर्मल स्टेट ऑफ हेल्थ में लेकर आए। तो इस टाइप की कहानियां सारी इनकी फोटोग्राफ के साथ उस बुक में पब्लिश्ड है जी। और फोटोग्राफ आप लोगों के, जो बुक है उसकी फोटोग्राफ आप लोगों के स्क्रीन पर आ रही है। ये सर की पहली किताब है,
और इस किताब में काफ़ी सारी कहानियाँ आप लोगों को मिल जाएंगी। किताब अगर आपको ख़रीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, और हम लोग जितनी भी किताबों के बारे में अभी बात करेंगे वो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने किताबें लिखी, बट ये जिन लोगों के बारे में आपने किताबें लिखी हैं उन तक आप पहुँचे कैसे? आपको कैसे पता लगा कि कहीं पर ये घटना हुई है जिसके कारण जो है समाज में काफ़ी पॉजिटिविटी आ सकती है? जी ये यूँ हुआ कि जो जैसे मैंने कहा न्यूज़पेपर्स में कहीं पीछे के पेज में अंदर के पेज में छोटा सा एक न्यूज़ आती है कि रिक्शे वाले के बेटा IAS ऑफिसर बन गया, या कोई गरीब ग्रामीण महिला ने एक कोई शराबी से शादी करने से मना कर दिया, तो मैं उस न्यूज़पेपर को फ़ोन करके और वहाँ के जिस रिपोर्टर ने स्टोरी दी होती है उसका नंबर लेता हूँ। उसमें 2-3 दिन लग जाते हैं, वो नंबर मिलने के बाद उनसे बात करके फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस व्यक्ति की कहानी है उस व्यक्ति का नंबर मिल जाए, वो नंबर लेके उस रिपोर्टर से और भी जानकारी इकट्ठी करके और इस तरह मैं कहानी जो है ना लिखता हूँ। और जहाँ भी उनसे संभव होता है फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, तो फ़ोन पे कई चीज़ें और एक्स्ट्रा मालूम पड़ जाती हैं, तो उन सब चीज़ों को मिला करके वो कहानी तैयार हो जाती है। जी सर जी, तो यानी कि जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह उन पर थोड़ी सी रिसर्च आप लोग करते हैं और फिर आपको कहानियाँ मिलती हैं। तो सर ये तो बहुत ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं जिससे काफ़ी इंस्पिरेशन लोगों को मिल रही है। सर एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस कहानी के तौर पर कई लोगों की मेरे ख्याल से मदद भी होती होगी, तो उस बारे में हमें कोई किस्सा बताएं कि जो आपने कहानी लिखी हो और किसी की हेल्प हुई हो बहुत ज़्यादा। जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए आपके दर्शकों को कि जो मेरी बुक थी रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज, उसमें एक लड़की की कहानी पब्लिश की थी जिसका घर जो था एक झुग्गी था, और ये बैतूल से नागपुर जो रेलवे ट्रैक जाता है उस रेलवे ट्रैक पर ही इसकी झुग्गी थी, और इस लड़की के जो फादर थे वो किडनी के पेशेंट थे तो बेडरिडन थे, और इस लड़की की मदर आंगनवाड़ी वर्कर थी, उनको 3,000 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती थी, और जो ये झुग्गी बनी थी इसके सामने से 140 ट्रेनें दिन रात में निकलती थी। आप सोच सकते कितना डिस्टर्बेंस होता होगा, और ये 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम हुआ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, उस बोर्ड एग्जाम में इस लड़की ने टॉप किया, और जब इसने टॉप किया तो सारे रिपोर्टर्स को जहाँ से खबर मिलती है न्यूज़पेपर वाले एकदम पहुँचे वहाँ फोटो लेने के लिए, और पूरे पेपर में आ गई न्यूज़ कि झुग्गी में रहने वाली लड़की जो है इसने 10th क्लास बोर्ड में टॉप कर दिया। तो उसकी भी कहानी मैंने छापी, उससे बातचीत भी की फोटो के साथ। उसके बाद वहाँ भोपाल के कॉलोनाइजर हैं उनको इसके बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया, और जो उनका अगला प्रोजेक्ट था उसमें उन्होंने एक 1 BHK का फ्लैट उस लड़की को गिफ्ट किया, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था भोपाल में उन्होंने। उस टाइम मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, ये 2012 की बात है करीब, जब एग्जाम हुआ था 10th क्लास का, और उस लड़की को उन्होंने फ्लैट गिफ्ट किया। तो मुझे लगा देखो ये कितनी अच्छी बात है, किसी बच्ची की कहानी पढ़ करके इतना इम्पैक्ट हुआ कि उसको सामाजिक तौर पर इतना रिकग्निशन मिला और एक गिफ्ट मिला फ्लैट 1 BHK का। जी सर ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि किसी बच्चे को इस तरीके से एक फ्लैट मिल गया, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। तो सर कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा आपको इस बात पर कि आपकी वजह से ऐसा एक काम संभव हो पाया। सर अब आपने जैसे बताया था कि आप आर्मी में थे और आर्मी एजुकेशन प्रोग्राम आप जो है उसमें एनरोल थे, तो सर आर्मी एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में हमें अब थोड़ा कुछ बताइए। जैसे आर्मी में सभी प्रकार के ऑफिसर्स होते हैं, रेजिमेंट्स होती हैं, जैसे एक होता है बेसिकली फाइटिंग आर्म्स जो इन्फेंट्री आर्टिलरी आर्मर्ड कोर होता है, जो जब युद्ध होता है तो उसमें उनके अपने अपने रोल होते हैं, टैंक लेके जाता है कोई, हथियार लेके आगे बढ़ते हैं कोई, मिसाइल्स लेके जाते हैं, ये सब। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स से काम होता है जैसे कोई इंजर्ड हो गया वॉर में, या अदरवाइज ऑल्सो हॉस्पिटल्स होते हैं आर्मी के, वहाँ पर पेशेंट्स को देखते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं, इसी प्रकार एक रेजिमेंट कोर होता है आर्मी एजुकेशन कोर कहते हैं इसको। आर्मी एजुकेशन कोर का काम होता है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग कराना। ऑफिसर्स ट्रेनिंग से मतलब है जैसे NDA का एग्जाम होता है, UPSC रिटन एग्जाम कंडक्ट करती है, जो 12th क्लास के बाद बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं, तो वो
ट्वेल्थ क्लास के बाद एनडीए के एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, एसएसबी इंटरव्यूज क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद वहां पर एनडीए में खड़कवासला पुणे में जो है 3 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये ट्रेनिंग 2 भागों में होती है, एक तो फिजिकल ट्रेनिंग जो कि आर्मी में फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है, दूसरी एकेडमिक ट्रेनिंग। एकेडमिक ट्रेनिंग इसलिए होती है कि उनको 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री मिले, तो ये जेएनयू से एफिलेटेड होती है और प्रॉपर ग्रेजुएशन का कोर्स सिलेबस फॉलो होता है, उसके बाद एग्जाम होता है। तो एकेडमिक ट्रेनिंग हम लोग आर्मी एजुकेशन कोर के जो ऑफिसर्स हैं प्लस कुछ सिविलियन इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो सब मिलकर के इनको सारे बीए बीकॉम बीएससी वगैरह की पूरी ट्रेनिंग कराते हैं। इसके अलावा और भी जगह हम लोगों का रोल होता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ एनडीए में ही पोस्टिंग रहेगी। जो आर्मी में जवान्स होते हैं, पहले जो थे आर्मी के जवान्स आज से 20-25 साल पहले, वो 4th-5th क्लास पढ़ के आर्मी ज्वाइन कर लेते थे, उनकी एजुकेशन बहुत कम होती थी। तो उनको एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन लाने के लिए जहाँ पर रेजिमेंट्स होती हैं फॉरवर्ड एरियाज में भी या अदरवाइज, वहाँ उनकी एजुकेशन क्लासेस चलती हैं। तो हम लोगों का स्टाफ होता है जो स्टाफ उनके क्लासेस कंडक्ट करता है, उनको परीक्षा लेता है और उनको आर्मी के सर्टिफिकेट देते हैं एजुकेशन। तो इस तरह एजुकेशन कोर का इस तरह का रोल है। इसके अलावा हम लोगों को चूंकि यूनिफॉर्म पहनते हैं तो उसमें जो भी जनरल ड्यूटीज होती हैं आर्मी ऑफिसर्स की, वो भी हम लोग जब फॉरवर्ड एरियाज में पोस्टिंग होती है, बॉर्डर पर पोस्टिंग होती है, तो वो सारी ड्यूटीज हम लोग करते हैं। जी, तो सर आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे बच्चों को? हाँ, मेरा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स, तो वहां पर ये बीएससी सिलेबस जो होता था तो मैं मैथमेटिक्स क्लासेस वहां लिया करता था एनडीए। जी जी सर, तो मैथमेटिक्स क्लासेस आप लिया करते थे। अब सर ये तो हो गई आर्मी की बात, आर्मी एजुकेशन की बात और आपकी किताबों की बात, अब थोड़ा सा जान लेते हैं आपके यूट्यूब चैनल के बारे में। आप अपने यूट्यूब चैनल गुलदस्ते के बारे में कुछ हमें बताएं। जी, ये जो चैनल हमने शुरू किया यूट्यूब चैनल गुलदस्ता, इसमें एक्चुअली 5 सेगमेंट हैं। पहला सेगमेंट है सुनो सच्ची कहानियाँ। सुनो सच्ची कहानियाँ में जो मेरी बुक्स में स्टोरीज हैं, रियल इंस्पायरिंग स्टोरीज, वो बुक्स इंग्लिश में हैं, तो उन कहानियों को हिंदी में नरेट किया गया है और मेरी वाइफ हैं मधु खरे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो कहानी नरेट की हैं। इसके अलावा और भी कहीं से जो हमें स्टोरी मालूम पड़ती है वो भी उसमें हम लोग इंक्लूड कर देते हैं। दूसरा इसका सेगमेंट है ऐसी बनूंगी मैं माँ। ऐसी बनूंगी मैं माँ ये सेगमेंट है उन महिलाओं के लिए जो माँ बनने वाली हैं, जो गर्भवती हैं, और इसका जो प्रिंसिपल है इस स्टोरीज के पीछे जो वीडियोस हैं, इसमें 12 वीडियोस हैं ऐसी बनूंगी मैं माँ। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी होने माँ बनने वाली महिला है उसके विचार कैसे चल रहे हैं, उसके क्या वो देख रही है, क्या वो बातचीत कर रही है, क्या वो सुन रही है, तो उसके दिमाग में जो भी चल रहा होता है उस थॉट प्रोसेस के आधार पर होने वाले बच्चे की पर्सनैलिटी निर्भर करती है। और ये बहुत लोग इस पर ध्यान नहीं देते, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर्स हैं वो केवल मेडिकल एग्जामिनेशन करके क्या आपको विटामिन खाना है, क्या प्रोटीन लेना है, कैसा दिनचर्या होना चाहिए बताते हैं, लेकिन ये जो 12 वीडियोज हैं ये हर एक को बताते हैं कि घर में कैसा माहौल होना चाहिए, शांतिपूर्वक हो, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग हो, उसके मन में कोई टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, कोई डरावनी मूवी ना देखें, ये सब चीजें उन 12 वीडियोस में बताई गई हैं। तीसरा सेगमेंट है इसका क्या जाने शादी से पहले। ये सेगमेंट में जो भी लोग अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं, शादी करते हैं, उनको अपने जीवन साथी में, भावी जीवन साथी में क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और जो अक्सर नहीं देखी जाती, इस बात के ऊपर 12 वीडियोस बनाए हुए हैं। वो सारे वीडियोस मेरी पत्नी ने बनाए हुए हैं और उनमें भी यही बताया है कि जैसे कोई लड़का देखता है शादी की लड़की के चुनाव कर रहे हैं तो उसमें देखती है लड़की गोरी है, बहुत हाइट अच्छी है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, देखने में हीरोइन टाइप की है, तो ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन कुछ बातें हैं उसके संस्कार कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, वो परिवार में एडजस्ट होकर रहेगी कि नहीं, ये सारी चीजें इतनी ज्यादा ध्यान नहीं दी जाती। सेम लड़कों के बारे में, जब लड़कों के लिए चुनाव करते हैं देखने लड़की की हाइट बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल देखने में फिल्मी हीरो जैसा है, ठीक है ना, और ज्यादा ज्यादा बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, इनकम बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बारे में ये देखते नहीं कि संस्कार कैसे हैं, क्या वो ड्रिंक तो नहीं करता, क्या वो स्मोक तो नहीं करता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं कैसे आपको जीवन साथी का चुनाव करने का सही तरीका क्या होना चाहिए।
एक और सेगमेंट है नमस्ते जिंदगी। नमस्ते जिंदगी जो सेगमेंट है इसमें छोटे छोटे एनेक्डोट्स वृत्तांत बताए हुए हैं जिससे सुनकर के जीवन मूल्यों का आधार बताया गया है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, बिलीफ इन गॉड, काइंडनेस, ये सारी चीजें छोटी छोटी कहानियों के द्वारा बताई गई। इनको सुनने के बाद हर एक व्यक्ति को इन चीजों की मूल्य समझ में आता है और वो अपने जीवन में इसको लागू करेंगे तो उनका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अलावा एक और पांचवा सेगमेंट है गाता रहे मेरा दिल। ये सेगमेंट है फिल्मी गानों का, इसमें कुछ फिल्मी गाने हैं जो हमारी बहू रानी है आकृति, उन्होंने गाए हुए हैं और ये गाने केवल मनोरंजन के लिए हैं जो लोगों का थोड़ा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। जी जी, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है ऐसा YouTube चैनल आपका है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को सर के YouTube चैनल का लिंक भी मिल जाएगा और सर का एक Facebook पेज है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ और मिलती रहेंगी। तो सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी YouTube चैनल, आपकी जो किताबें हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानकर। तो सर अब आपसे हम लोग विदा लेंगे और विदा लेने से पहले हम लोग एक वादा लेंगे आपसे कि क्योंकि आप एक आर्मी ऑफिसर रहे हैं और आपने आर्मी एजुकेशन में इतना अपना टाइम दिया है तो काफ़ी सारे जो मैनर्स से रिलेटेड सवाल हैं, काफ़ी सारे जो कंडीशन रिलेटेड सवाल हैं किस कंडीशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, ये सारे सवाल जो हैं हम लोगों के होते हैं और जो बेसिकली टीनेजर्स हैं और मेरी एज के जो लोग हैं उन लोगों के ये सवाल होते हैं। तो इस तरीके के सवाल भी हम लोग आपके लिए अगली वीडियो में लेकर आएंगे, तो आप हमसे वादा कीजिए कि वो उस वीडियो में भी आप हमसे जुड़ेंगे और हमारे उन सवालों का जवाब हमें देंगे। जी अवश्य, बहुत अच्छा है। जी सर, तो अब हम सर आपसे विदा लेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।